नोएडा में पहली बार महिला कबड्डी टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। ये टूर्नामेंट नोएडा स्टेडियम में आज से शुरू किया गया। बता दें, इस टूर्नामेंट में 20 स्कूलों से 240 बच्चों ने हिस्सा लिया। श्री नारायण सांस्कृतिक चेतना न्यास एवं सेवा ट्रस्ट द्वारा ये आयोजित किया गया है। महिला कबड्डी टूर्नामेंट का उद्घाटन पूर्व विधायक विमला बाथम ने किया। ये श्री नारायण सांस्कृतिक चेतना न्यास श्री चितगुप्त सभा ट्रस्ट द्वारा आयोजित ये महिला कबड्डी टूर्नामेंट श्री राम अनुग्रह नारायण मेमोरियल महिला कबड्डी टूर्नामेंट आज शुरुआत हुई है, जिसकी ओपनिंग आदरणीय पूर्व विधायिका विमला बाथम जी के द्वारा हुआ और इसमें लगभग 20 स्कूल के बच्चों ने भाग लिया। ये टूर्नामेंट लगातार चलेगा 15, 16, 17 तक। 17 को फाइनल है, 17 को इसका फाइनल है और इसमें 20 स्कूल है, 242 बच्चे टोटल भाग ले रहे हैं। आपको बता दें, ये टूर्नामेंट 3 दिन तक चलेगा। इसका फाइनल रविवार के दिन यानी 17 दिसंबर को होगा। इस टूर्नामेंट में जीतने वाली टीम को 51,000 रुपए फर्स्ट प्राइस, सेकंड प्राइस 35,000 और तीसरा प्राइस 21,000 रुपए है। साथ ही जितने भी बच्चे इस टूर्नामेंट में भाग ले रहे हैं उनको मेडल और ट्रॉफी से सम्मानित किया जाएगा। नोएडा से न्यूज़ के लिए कौशल आलम की रिपोर्ट।